हेलो फ्रेंड, आज हम बिना अंडे के अंडा करी बनाएंगे। अगर आपको चटपटा, तीखा या फिर मसालेदार सब्जी पसंद है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को घिया कस के सहायता से बहुत ही बारीक कस लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा अंडा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अब इसी में से 1/4 हिस्सा साइड में रख लेंगे येलो योगर्ट बनाने के लिए। अब यहाँ पे 2 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को भी घिस लेंगे बहुत ही बारीक। इससे क्या होगा कि अंडा का टेस्ट आएगा, इसमें अंडा वाला फ्लेवर आएगा। अब इसमें 2 चम्मच अरारोट डाल देंगे, साथ में ही 2 चम्मच सूजी डालेंगे। तो सूजी को हमने मिक्सी के जार में डाल के बारीक पीस लिया है। आप चाहे तो इसके जगह पे मैदा भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच नमक डाल दिया है। अब इसे अच्छे तरीके से सॉफ्ट होने तक गूंद लेंगे ताकि अंडा हमारा बहुत ही सॉफ्ट बने। तो इसे हमने सॉफ्ट गूंद लिया है। अब 1/4 जो हिस्सा हमने रखा था, इसमें 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो ये हेलो योगर्ट हो गया। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आपको जितने अंडे बनाना है उसके उतने हिस्से बना लीजिए बीच में भरने के लिए। अब इसको हमने गोल शेप में दे दिया है। अब इसे रख लेते हैं। अब व्हाइट हिस्सा बना लेंगे। तो आपको जितना बनाना है अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी रोटी बना के और येल्लो हिस्सा को इसमें बीच में डाल देंगे और अच्छे से इसको रोल कर देंगे। तो अंडे का शेप हमने दे दिया है। अब 2 से 3 चम्मच अरारोट लिया है और इसे अंडे को लपेट लेंगे। इससे क्या होगा कि अंडा फटेगा भी नहीं और ऊपर से करंची बन जाएगा। एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। मीडियम फ्लेम करके इसमें सारे अंडे को डाल देंगे। तो फ्रेंड, ये वेज अंडा है, इसे कोई भी खा सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे लगभग 2 मिनट तक डीप फ्राई करेंगे, ज्यादा देर तक नहीं करेंगे। बस ऊपर का हिस्सा करंची होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं फ्राई कर लिया हमने। ये थोड़ा सा निकालने में एक अंडे फट गया है। मसाले में 8 से 10 लहसुन की कलियां, 1 प्याज, काली मिर्च, 2 से 3 टमाटर, इन सबको बारीक पीस लिया है और हरी मिर्च को लंबे पीस में काट लिया है। यहाँ पे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे 1 चम्मच अमचूर्ण पाउडर ले लिया है। खड़े मसाले में 2 से 3 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 दालचीनी, 5 फोरन और हींग लिया है। एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। यहाँ पे हमने सरसों तेल यूज किया है। अब इसमें 1 पिंच हींग डाल देंगे और सारे खड़े मसाला डाल देंगे। अब इनको कुछ सेकंड के लिए लो फ्लेम पे भून लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप देख सकते हैं हमने भून लिया है। अब इसमें पिसे हुए अदरक, लहसुन, प्याज, काली मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे आप देख सकते हैं हमने भून लिया है और प्याज ने कलर चेंज कर लिया है। आप देख सकते हैं पानी भी सूख गया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें तेल सेपरेट होने लग गया है। प्याज को अच्छे तरीके से भूनना है। अब इसमें सूखी मसाला ऐड कर देंगे, फ्लेम को लो करेंगे, नहीं तो सूखी मसाला हमारा जल जाएगा। और इसे भी कुछ सेकंड के लिए मिक्स कर लेते हैं। सूखी मसाला है तो ज्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये जल जाते हैं। तो ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें टमाटर पिसी हुई डाल देंगे, जो कि हमने 3 टमाटर का प्योरी बना लिया था। मिक्स कर लेते हैं। साथ में इसमें टेस्ट के अनुसार नमक भी डाल देंगे। तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, मसाला अच्छे से पक जाएगा। टेस्ट के अनुसार नमक भी डाल देते हैं। टमाटर डालते ही नमक डाल देंगे तो मसाला जल्दी से पक जाता है और अपना फ्लेवर छोड़ देता है।
इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया है तो पानी भी सूख गया है टमाटर का और तेल सेपरेट होने लग गया है। तो इसे और हमने 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। मसाला हमारा तैयार है, तेल सेपरेट हो गया है, कढ़ाई में चिपकने लग गया है। तो मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसी जगह पे हम पानी डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए गाढ़ी या पतली उस हिसाब से डाल लें। अब इसे बंद करके अच्छा सा उबाल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं मसाले में उबाल आ गया है, मसाला थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। अब इसमें फ्राई किए हुए अंडा डाल देंगे। अंडा डालने के बाद इसे ज्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये बिल्कुल बिखर जाएगा। तो एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और बारीक कटी हुई हरा धनिया भी डाल दें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लें। इसे